कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को प्रदेश की जनता उपचुनाव में जवाब देगी और बोरिया बिस्तर बंधवाकर इन्हें बंगाल भेज देगी। यह बात मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सावेर में कही। दरअसल उपचुनाव के चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सावेर विधानसभा में शुक्रवार को पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के पक्ष में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र का विमोचन भी बीडी शर्मा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुआ। भाजपा प्रमुख शर्मा ने सबसे पहले अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के भूखे नंगे वाले बयान का जवाब दिया और कहा कि प्रदेश का सीएम भूखा नंगा है, तभी तो हर वर्ग के लिए योजनाएं चला रहा है और सभी को फायदा दे रहा है। वहीं कमलनाथ के पत्रकारों के संबंध में दिए एक बयान को लेकर वीडी शर्मा ने निशाना साधा और कहा, हमें पत्रकारों के घर तक पहुंचने में कोई संकोच नहीं है। शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट पार्टी बदलने वाले तमाम विधायकों ने कमलनाथ के दंभ को तोड़ दिया, जिसमें उन्हें घमंड आ गया था और सिंधिया जैसे नेता को सड़क पर उतरने की बात उन्होंने कही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक कमलनाथ कह रहे हैं, मेरा क्या कसूर था। शर्मा के मुताबिक उनका कसूर यह था कि उन्होंने जनहित की योजनाएं बंद करवा दी, युवाओं से किसानों से झूठ बोला, विद्यार्थियों को लैपटॉप संभल जैसी योजनाएं बंद करवा दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने सभी योजनाएं पुनः शुरू की है, जिसमें सभी वर्ग खुश है। इस दौरान बीजेपी प्रमुख ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा के शासन काल में करीब 1,70,00,000 घर 5 महीने में बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जेल में 14 महीने की डेथ हो गई जहरीली शराब पीने से। कमलनाथ जी कह रहे हैं आपने शराब माफिया खड़ा कर दिया, पूरे प्रदेश में शराब माफिया सक्रिय है। काम तो कमलनाथ जी तुम कमलनाथ जी तो यही काम कर रहे थे, यही काम तो किया था उनने। केवल जो हमारे जनप्रतिनिधि कहते थे मध्य प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री के पास जनप्रतिनिधि और विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए टाइम नहीं है। उनके पास तो उद्योगपति या शराब माफिया या रेत माफिया, चलो चलो हटो, मुझे तो केवल उनसे मिलना है, यही तो लोग आरोप लगा रहे थे। तब तक कांग्रेस के जो मित्र थे उस समय के, उन्होंने अपना मन बदला और उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। अरे कैबिनेट के अंदर कह दिया था मंत्री ने, कैसे थोड़ी होगा कमलनाथ जी, आप सुनते ही नहीं हो किसी की। उनके कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जो ग्वालियर वाले प्रद्युम्न तोमर ने, क्योंकि शराब माफिया और रेत माफिया और ये सारे माफिया खड़ा करने का काम कमलनाथ जी आपने ही किया था। हमने तो जेल भेज दिया, जैसे ये घटना हुई है कोई नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी जिसने इस प्रकार का कोई अपराध किया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई माफिया, किसी भी प्रकार का माफिया इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक साथ लेंगे पीयूष पारे जी से, फिर आपसे सारे प्रश्न एक साथ आ जाएंगे और अंतिम जवाब। स्वागत है उनका, स्वागत है। सवाल एक ही, जहाँ भी सभा करने जाते हैं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ 18 को, यहाँ आ रहे हैं सब लोग। हम तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मंडल सम्मेलनों में, अभी बूथ के सम्मेलनों में हमने प्लान किया है। हम रणनीति के साथ काम करते हैं, कहीं हम साथ में जा रहे हैं, कहीं अलग जा रहे हैं, कहीं 3 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। चुनाव की रणनीति है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस पत्रकार